हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको देखाऊंगा एलजी कंपनी का एलजी सीआरटी टीवी का एक कॉमन प्रॉब्लम, एलईडी 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अलग वीडियो और डिटेल्स वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जो बताया और दिखाया आप ध्यान से देखेगा तब 100% ये 3 टाइम ब्लिंकिंग जो प्रॉब्लम है आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो आप स्किप करके देखेगा तो कुछ भी आपका नॉलेज में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हेलो हूँ। दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो दोस्तों, एलजी चैसिस का एक कॉमन प्रॉब्लम जो देखा जाता है, 3 टाइम एलईडी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। और जो ईएसटी होता है, ईएसटी 3 टाइम ऑन ऑफ भी होता है इसी का साथ साथ। तो दोस्तों, उसका बाद सेट स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। दोस्तों, इस टाइप एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा पास एलजी का एक चैसिस है। तो दोस्तों, एलजी का अल्ट्रा स्लिम चैसिस पर भी हो सकता है, और एलजी का जो नॉर्मल पीसीबी होता है, ओवल ट्यूब के अंदर जो पीसीबी होता है उसका अंदर भी हो सकता है। और दोस्तों, एलजी का जो आईसी 111 आईसी भी यूज़ हो सकता है, और अलग टाइप कुछ भी आईसी यूज़ हो सकता है। तब भी दोस्तों, मेरा पास जो ये पीसीबी है, ये पीसीबी का ऊपर जो आईसी TDA TPL1 आईसी है, ठीक है। और इसका लास्ट नंबर AE7, एक्चुअली AE7 लास्ट जो नंबर होता है उसका सॉफ्टवेयर नंबर होता है, और ये पोजीशन पर TDA TPL1 05, और लास्ट नंबर AN4 भी आप यूज़ कर सकते हो ये आईसी का पोजीशन पर। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसका, एलईडी 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त, वो भी एक टेक्नीशियन दोस्त है, तो वो बहुत ट्राई किया। तो फर्स्ट वो कौन कौन चेक किया ये आपको बता देता हूँ, उसका बाद आपको बताऊँगा, देखाऊँगा इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मेन जो प्रोसेसर आईसी, ये वो चेंज किया है, क्योंकि ये आईसी प्रॉब्लम होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, और ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने के लिए इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो वर्टिकल आईसी का जो 2 सप्लाई ये ओपन करके चेक करके देख लिया है, ठीक है। और उसका बाद बहुत कुछ वोल्टेज चेक किया, वो बताया कि सभी वोल्टेज ओके है, तब भी इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। दोस्तों, चलिए ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी को फ्रंट साइड एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 2 रेगुलेटर है और यहाँ पर 1 रेगुलेटर है, ठीक है। तो कभी कभी गलती से जो प्रॉब्लम अधिकतर ये हो जाता है कि रेगुलेटर आईसी जो होता है, ये चेंज करने का समय अधिकतर ये उल्टा लगा देता है, क्योंकि इधर का जो पिन वो उधर हो जाता है। ये आईसी को घुमा के लगा देने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसका बाद आपको ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको डिटेल्स बताऊँगा, देखाऊँगा जो एलजी सेट का 3 टाइम एलईडी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आप 100% सॉल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिए वीडियो देखने के बाद, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए सीधा बात, सीधा साधा आपको जो देखाऊंगा, हाँ, और एक बात। तो दोस्तों, ये पीसीबी का जो बेस बोर्ड वो प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा दोस्त बेस बोर्ड को चेंज किया, न्यू बेस लगाया। तो ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो देखाऊंगा और बताऊंगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं मोबाइल को स्टैंड पर रखता हूँ, ठीक है। और देखिए, ये पीसीबी का ये पॉइंट पर नेगेटिव के साथ मैं वायर कनेक्शन किया, और मीटर का ये नेगेटिव कॉर्ड का साथ अच्छा करके नेगेटिव वायर में कनेक्शन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको वोल्टेज देखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं अभी देखा है कि ये जो वर्टिकल आईसी है, आप ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल आईसी का ये 2 जो सप्लाई पिन ये ओपन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं ये वर्टिकल टोटल आईसी को ही ओपन करके एक बार चेक किया, ठीक है, क्योंकि ये आईसी शॉर्ट होने के बाद भी इसका जो फीडबैक पल्स जो आईसी से आता है वो ड्रॉप होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वर्टिकल आईसी को मैं अभी मैं ओपन करके रखा है, ठीक है। तो चलिए कुछ वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा, ठीक है। तो मीटर को मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ। फर्स्ट आपको जो देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है।
देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है, तो स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो चैनल प्लस और माइनस बॉटम पुश करके एक बार ऑन करता हूँ। देखिए पावर जो इंडिकेटर आप ध्यान दीजिए, 3 बार ऑन ऑफ होने के बाद ये फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। ठीक है, आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं सेट को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, स्टॉप किया और उसका बाद मैं दोबारा सेट को ऑन करूँगा। देखिए सेट ऑफ हो गया, दोबारा मैं ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया और इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। देखिए एक बार, दो बार, ये 3 बार ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखिए फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसका बाद आपको इसी कंडीशन पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट 110 वोल्ट लाइन जो एसटी सप्लाई देखिए अभी 106 वोल्ट है, ठीक है, तो 10 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो ठीक है ये बाद में देखूंगा क्योंकि ये वोल्टेज काम चल जाएगा, ठीक है। और ये वोल्टेज देखिए ये ईएसटी का ई पिन पर जाता है। अब वोल्टेज देखिए यहाँ पर वोल्टेज ओके है, ठीक है। और उसका बाद जो देखूंगा ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज, ये ड्राइवर का सप्लाई पिन है, ठीक है। ये पिन पर वोल्टेज देखिए 105 वोल्ट है। जब स्टैंड बाई मोड पर ये सेट होगा इस टाइप वोल्टेज देखा जाता है और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है, ये आपको देखा जाए, ठीक है। और उसका बाद आपको जो जो वोल्टेज देखना पड़ेगा, ये जो रेगुलेटर होता है, ठीक है, ये जो रेगुलेटर होता है रेगुलेटर पर ये 9 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर हो सकता है। यह पर वोल्टेज देखिए अभी 10 वोल्ट मौजूद है, 10 से 12 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सप्लाई होना चाहिए। तो दोस्तों उसका बाद आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर पर, ये चार टांग वाला रेगुलेटर पर जो वोल्टेज जाता है देखिए 10 वोल्ट के आसपास, ये सप्लाई रेजिस्टेंस का थ्रू यहाँ पर एक छोटा रेगुलेटर है, ठीक है, छोटा रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये पिन पर आता है, बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसलिए वोल्टेज 8 और 9 वोल्ट के आसपास देखा जाता है। और ये रेगुलेटर से अलग से पिन से ये नीचे वाला पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला पिन है ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों देखिए ये 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये 5 वोल्ट सेंसर पिन पर जाता है, यहाँ पर जो सेंसर है सेंसर पिन पर जाता है और इंडिकेटर जलता है। और इसी के साथ ये वोल्टेज यहाँ पर जो तीनों टांग वाला 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का एक पिन पर सप्लाई पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट अलग से 5 वोल्ट है, ठीक है। ये जाने के बाद ये रेगुलेटर का 3.3 वोल्ट रेगुलेटर का मिडिल पिन पर वोल्टेज 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट कंडीशन है, ये स्टैंड बाई मोड पर इस तरह वोल्टेज देखा जाता है और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद भी ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है। और ये वोल्टेज आईसी का अलग अलग सप्लाई, मेन प्रोसेसर आईसी का अलग अलग पिन पर जाता है और ये सप्लाई मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर जाता है। दोस्तों ये मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसका बाद आपको जो देखूँगा वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, कि स्टैंड बाई ऑन होने के बाद आपको कुछ वोल्टेज ज़रूर दिखना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इसलिए आपको जो देखूँगा ये एक रेगुलेटर है, ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये देखिए अभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट ज़रूर देखने को आपको मिलेगा स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, क्योंकि स्टैंड बाई ऑन होने का जो प्रोसेस है आप रिमोट से और पैनल से स्टैंड बाई ऑन करने के बाद ये जो चारों टांग वाला रेगुलेटर का एक स्विचिंग पिन होता है यहाँ पर 3 वोल्ट के आसपास एक वोल्टेज मेन प्रोसेसर आईसी से आएगा। आने का बाद तब ये आईसी का ये 2 नंबर पिन से 9 वोल्ट के आसपास आउटपुट होगा। 9 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 9 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 8 वोल्ट आउटपुट होगा। और उसका बाद ये रेजिस्टेंस का थ्रू ये आईसी का 5 वोल्ट रेगुलेटर का ये पिन पर सप्लाई जाएगा और सप्लाई जाने के बाद यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। और उसका साथ ये जो 9 वोल्ट और 8 वोल्ट ये वोल्टेज एक साथ, ये 5 वोल्ट और ये 9 और 8 वोल्ट, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है आप देखिए ये प्रोसेसर आईसी का 2 नंबर और 3 नंबर पिन पर जाएगा। तो यहाँ पर पीसीबी पड़ी प्रिंट देखा जाता है, क्योंकि एलजी का जो पीसीबी होता है सबका पास TPL1 जो आईसी होता है TPL1 आईसी का 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट और 3 नंबर पिन पर
8 वोल्ट देखा जाता है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, वोल्टेज वहाँ पर आता है कि नहीं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो आपको रेगुलेटर आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको आईसी का 2 नंबर और 3 नंबर पिन वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन किया, 2 नंबर पिन पर वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा, देखिए 5 वोल्ट ओके है, देखिए 5 वोल्ट। ये 3 बार आने के बाद स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो दोस्तों ये 2 नंबर पिन है, तो लगता है कि ये लाइन ओके है क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ पर आता है। तो दोस्तों दोबारा सेट को स्टॉप करना पड़ता है, तो दोबारा मैं सेट को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। उसका बाद मैं आपको 8 वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा और मैं भी देख लेगा, ठीक है। तो दोबारा मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद स्टैंड बाई से फिर भी ऑन करता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया, 3 नंबर पिन पर 8 वोल्ट चेक करना पड़ेगा, सॉरी ये 3 नंबर पिन है। तो स्टैंड बाई से फिर भी वो स्टैंड बाई मोड पर चला गया, तो फिर भी मैं सेट को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, इस तरह ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेट को ऑफ कर दिया, दोबारा सप्लाई दे दिया और सेट को स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। देखिए ऑन किया और 3 नंबर पिन पर ये देखिए 8 वोल्ट आ गया, देखिए ये 3 बारी 8 वोल्ट आने का बाद ये देखिए 3 नंबर पिन पर वो स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो दोस्तों इसीलिए आपको जो कॉन्फर्म होना चाहिए कि इसका 5 वोल्ट सप्लाई ओके है, 8 वोल्ट सप्लाई ओके है, और इसका जो रेगुलेटर सेक्शन होता है ये सब कुछ ओके है, ठीक है। उसका बाद क्या दिखना पड़ेगा, उसका बाद उसी का साथ साथ आपको दिखा देता हूँ कि ESD ऑन होने के बाद जो डाइवर सप्लाई वो ड्रॉप हो जाता है, ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा मैं, सप्लाई फिर भी स्टॉप करना पड़ेगा, इसके बाद फिर भी सेट को ऑन करना पड़ेगा, मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया दोस्तों, आप ही फॉलो कीजिए, ये जो डाइवर सप्लाई है, ठीक है, ये 105 वोल्ट है। तो मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ, देखिए स्टैंड बाई से ऑन किया, यहाँ पर वोल्टेज देखिए डाउन हो गया 53, फिर भी देखिए स्टैंड बाई ऑन हो गया, फिर भी देखिए स्टैंड बाई ऑन ऑफ, ये 3 बार होने के बाद ये फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सब कुछ आपको वोल्टेज ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सेट को मैं ऑफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसलिए जो जो वोल्टेज आपको दिखाया ये लाइन से भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है, ये जो ड्राइवर का जो सप्लाई लाइन होता है, ये सप्लाई पर सप्लाई ठीक ठाक नहीं आएगा तो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो ड्राइवर पर जो सप्लाई आता है, ठीक है, ये ड्राइवर पर जो सप्लाई आता है, बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम से भी हो सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए ये जो डाइवर ट्रांजिस्टर होता है, ये डाइवर ट्रांजिस्टर का साथ देखिए, अभी मैं चेक किया, यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, ये डायोड का टंग टूट गया, ठीक है, टंग टूट गया। तो आपको उल्टा करके एक बार देखाऊंगा, क्योंकि ये जो डाइवर ट्रांजिस्टर पर जो बेस पर जो सिग्नल आता है, ये मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, ये लाइन प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो दोस्तों ये लाइन आपको अच्छा करके एक बार चेक करके देखा देता हूँ, देखिए ये जो लाइन जाता है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो लाइन जाता है बीच में एक जम्पर है, ठीक है, बीच में एक जम्पर है, और ये बीच में एक कैपेसिटर देखा जाता है, 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, लो वैल्यू का कैपेसिटर ये होता है 60 वोल्ट का। तो ये कैपेसिटर प्रॉब्लम से भी हो सकता है। एक्चुअली ये जो लाइन, ये एच आउट का लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन जाता है बीच में एक जम्पर है, ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइन टोटल जाता है, आप ध्यान से देखेगा तो ये आईसी का 56 नंबर पिन, अब फॉलो कीजिए, यहाँ पर देखिए एच आउट पिन है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एच आउट पिन है, ये देखिए ये एच आउट पिन 56 नंबर पिन। तो ये जो लाइन, ये लाइन प्रॉब्लम से भी हो सकता है।
तो ये लाइन का बीच देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको और क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम से भी हो सकता है, और ये रेजिस्टेंस के साथ एक्स्ट्रा सप्लाई ये लाइन से आता है। ये रेजिस्टेंस का जो नंबर R555 जो पोजीशन नंबर होता है R555, ठीक है, ये पोजीशन नंबर। ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होने का बात भी हो सकता है। एक्चुअली ये जो एच आउट लाइन होता है टोटल लाइन को आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो सबसे डाउट बात है कि कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम है, किस तरह ये लाइन को चेक करूँगा। तो डरने का कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली ये पिन का वोल्टेज आपको चेक करके देखना पड़ेगा, एच आउट पिन का वोल्टेज। तो यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए? एक्चुअली एच आउट पिन पर जो वोल्टेज होता है, एच आउट पिन ये 56 नंबर पिन है, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज 1.2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो ठीक है, मैं सप्लाई देख एक बार देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया और मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और तो दोस्तों मोबाइल को मैं स्टैंड पर रख दिया क्योंकि आपको अच्छा करके वोल्टेज दिखाने के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो एच आउट पिन होता है, मैं आईसी का पिन पर ही जो आईसी के साथ कनेक्शन है यह पर वोल्टेज अभी नहीं है, ठीक है। और मैं स्टैंड बाई से एक बार ऑन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, स्टैंड बाई से मैं ऑन किया, वोल्टेज देखिए 2.2 वोल्ट, 5 वोल्ट ये फैक्चुरेट होने लगता है, ठीक है। तो इसका बाद ये स्टॉप हो गया क्योंकि ESC ऑन होने के बाद जो स्टैंड बाई मोड पर जब चला जाता है वोल्टेज आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको जो देखूंगा, मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ, कि यहाँ पर जो डायोड, ठीक है, यहाँ पर जो डायोड ओपन है ये डायोड को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये डायोड प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पोजीशन, ये डाइवर सप्लाई जो होता है, यहाँ पर देखिए ये जो डायोड ये फट गया, ठीक है, ये डायोड फट गया। अब ध्यान से देखिए, ये डायोड फट गया। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा डायोड लगेगा ये सबसे बड़ा बात है। तो आप यहाँ पर 4148 डायोड यूज़ कर सकते हो। तो मेरा पास एक 4148 डायोड, मैं लगा के देख लेता हूँ। दोस्तों ये सिग्नल लाइन है, ठीक है, और ये नेगेटिव लाइन है, और सिग्नल जो साइड होता है यहाँ पर डायोड का पॉजिटिव साइड जो ब्लैक वाला, ये आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार कनेक्शन कर देता हूँ और उसका साथ नेगेटिव के साथ ये डायोड में कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए, ये डायोड में नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। ये सिग्नल लाइन, चलिए उसका बाद एक बार वोल्टेज चेक करके देखूंगा। तो दोस्तों ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, तो आपको मन में कुछ भी डाउट ना आ जाए, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। फिर भी मैं सप्लाई दे दिया, और ये जो 56 नंबर एच आउट पिन, यहाँ पर वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा। मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ। देखिए, स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद दोस्तों देखिए, फर्स्ट 5 वोल्ट आ गया और उसके बाद ये 1 वोल्ट के आसपास देखा जाता है। फर्स्ट आपको बताए कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो ठीक है, लगता है कि ये लाइन ओके है क्योंकि 5 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ओके है। तो इसलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस ओके नहीं होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आएगा स्टैंड बाई ऑन करने का साथ साथ। जब वो नॉर्मल 1 वोल्ट के आसपास देखा जाता है तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये लाइन ओके है, ठीक है। तो दोबारा आपको स्टैंड बाई ऑफ, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, दोबारा मैं ऑन करता हूँ, सप्लाई दे दिया और दोबारा मैं ऑन करता हूँ। आप फॉलो कीजिए, फर्स्ट 5 वोल्ट आएगा और उसके बाद वो 1 वोल्ट पर चला जाता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। देखिए, मैं ऑन करता हूँ स्टैंड बाई से, देखिए
तो दोस्तों अब देख लिया तीन बार जो कंडीशन देखा, फर्स्ट 5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट आने के बाद वो 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये लाइन प्रॉब्लम का जो रीजन होता है, ये जो रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होने के बाद भी हो सकता है, तो आपको क्या कन्फर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस ओके है जो 5 वोल्ट सप्लाई से ही आता है, और ये जो लाइन ये 1 वोल्ट जब देखा जाता है तो ये सिग्नल लाइन ओके है। तो दोस्तों डायोड फट गया, तो तब भी डायोड लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, डरने का कोई बात नहीं, उसका बाद जो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट पिन आईसी का, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट पिन। चलिए फर्स्ट आपको पिन का क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आईसी का जो दो इम्पोर्टेंट पिन आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट ये 2 नंबर और 3 नंबर पिन वोल्टेज देखा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और उसका बाद आपको दिखाऊंगा 17 नंबर और 8 नंबर पिन, ठीक है। इसका जो 8 नंबर पिन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जो 8 नंबर पिन, ठीक है। 8 नंबर पिन पर अब देखिए पिन है, ये पिन का जो नंबर है अब देखिए, तो दोस्तों आपको 8 नंबर पिन पर एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 नंबर पिन का जो नाम ये लिखा है, आप अच्छा करके देखेगा तब देख सकते हो, EHTO, ठीक है, यहाँ पर लिखा है EHTO। तो ये EHT जो पिन है, ये लाइन से जो कनेक्शन है यहाँ तक, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 2.2 वोल्ट और 2 वोल्ट के आसपास देखा जाता है। तो ठीक है, एक बार वोल्टेज देख लेता हूँ, ठीक है। और ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद भी ये वोल्टेज आता है, ठीक है, मैं स्टैंड बाई से ऑन करता हूँ फर्स्ट, ठीक है। स्टैंड बाई से ऑन किया, ये लाइन पर देखिए 2 वोल्ट के आसपास आ जाता है, ये भी 3 बार आने के बाद स्टॉप हो गया। तो दोस्तों मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। तो इसीलिए आपको जो कॉन्फर्म होना चाहिए कि देखिए ये जो 8 नंबर पिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, EHTO ये पिन का नेम है, ठीक है, और ये पिन पर 2 वोल्ट का आसपास नहीं देखा जाएगा, तो आपको ये जो लाइन जाता है, ये लाइन का आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन के साथ कुछ पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट्स का जो पोजीशन नंबर आप देख सकते हो, R805C508, ठीक है, और यहाँ पर जो जो पार्ट्स देखा जाता है R507, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटर और PF हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों LG चेसिस का जो कैपेसिटर छोटा छोटा जो PF होता है, वो रेजिस्टेंस जैसा वो देखा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लाइन कन्फर्म हो गया कि ये पिन पर वोल्टेज 2 वोल्ट का आसपास देखेगा, तो ये लाइन ओके है और इसका सब पार्ट्स ओके है, ठीक है। और ये पिन पर वोल्टेज गड़बड़ देखेगा, तो ये लाइन का पार्ट्स को आपको जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा 17 नंबर पिन, जो 17 नंबर पिन होता है। तो दोस्तों ये आईसी का देखिए, ये 15 16 17, ठीक है, ये 17 नंबर पिन है। और ये 17 नंबर पिन का जो नाम है, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पिन है DECBG, ठीक है, DECBG यहाँ पर पिन है। तो दोस्तों इसीलिए आपको पिन नंबर बताता हूँ कि कुछ भी आईसी LG का हो सकता है, ये पिन आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी अलग आईसी नंबर का अलग पिन हो सकता है, लेकिन ये जो पिन नंबर आपको बताता हूँ DECBG, ठीक है, ये जो पिन है, ये पिन को आपको चेक करके देखना होगा। तो ये जो पिन है, ये पिन पर भी 2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों ये पिन जो कनेक्शन है, यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक PF, दो PF नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है, ये जो पोजीशन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पिन का साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पर ही मैं वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि आईसी का पिन पर वोल्टेज चेक करने का समय, और इस तरह हो जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आईसी का अलग पिन का साथ शॉर्ट हो जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये पिन पर वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर मैं वोल्टेज आपको चेक करके देखूँगा, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद वोल्टेज आता है कि नहीं, यह देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेट पर फिर भी सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, ठीक है, और स्टैंड बाई से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। स्टैंड बाई से ऑन किया और यहाँ पर वोल्टेज
देखिए 0.23 वोल्टेज का आसपास यहाँ पर आता है। तो दोस्तों क्या लगता है, तो ये पॉइंट का वोल्टेज बहुत गड़बड़ है, क्योंकि आपको बताया स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, ऑन करने के बाद यहाँ पर 2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ, लगता है कि प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है C516, ठीक है, देखिए तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दो पार्ट्स है C516, ये एक PF है और यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है C517, ये पोजीशन नंबर है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव सिंबल है क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो आपको उल्टा करके एक बार दिखा देता हूँ कि ये पार्ट से अधिकतर ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जो कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस जैसा, देखिए रेजिस्टेंस जैसा ये छोटा सा एक ये PF है, ठीक है। तो और उसके बाद ये कैपेसिटर है, तो ये दो पार्ट से भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए ये दो पार्ट्स को एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये दो पार्ट्स को ओपन करके देखने का बाद आपका एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए मोबाइल को मैं स्टैंड पर एक बार लगा देता हूँ और देखिए मैं मीटर को बार्जर रेंज पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन है, ये तो आईसी का पिन है, ये 17 नंबर पिन है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 ओम शो हो रहा है, ठीक है, 81 ओम शो हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। और मीटर कॉर्ड को मैं घुमा के एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए सेम 81 ओम्स ये शो हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये दो पार्ट्स को ओपन करके एक बार देखना होगा। तो ये नॉर्मल सा सिस्टम, आपको फर्स्ट ओपन करके ही देखना पड़ेगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, आपका पास ही मैं करके देखता हूँ कि इसका जो नेगेटिव का जो दो पार्ट्स का साथ कनेक्शन है, नेगेटिव पॉइंट को मैं सोल्डरिंग ओपन कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पिन को मैं इस तरह ओपन करता हूँ, ये फॉइल लाइन के साथ टच ना हो जाए, तो आपको ये अच्छा करके ओपन करना पड़ेगा। तो ये दो पिन को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको ये नेगेटिव के साथ ये जो पॉइंट है, ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव का साथ ये मैं पिन पर नहीं टच करूँगा, बाहर टच करता हूँ नेगेटिव लाइन का साथ। देखिए 973 ओम्स, तो लगता है ये दो पार्ट्स का कुछ भी एक पार्ट शॉर्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो PF है, ये PF पर टच करता हूँ, PF का पिन पर, देखिए ये 83 ओम्स देखा जाता है, ठीक है। तो लगता है ये PF शॉर्ट है। तो मीटर को मैं उल्टा करके एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देखिए 82 ओम्स, 3 ओम्स, 1 ओम्स के आसपास देखा जाता है। तो लगता है कि ये PF शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए कैपेसिटर भी एक बार चेक करके देख लेता हूँ, देखिए कैपेसिटर को ओम्स ठीक है। तो PF को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये जो पीएफ का पिन और कैपेसिटर का पिन मैं ओपन किया, ये पीएफ है ठीक है, और इसका पोजीशन नंबर आप देख सकते हो C516 ठीक है। तो ये ओपन कर दिया और ये पोजीशन पर ये पीएफ का जो कलर कोड ये अच्छा करके नहीं देखा जाता है, तो तब भी यहाँ पर एक पीएफ में लगा के देख लेता हूँ। मेरा पास बहुत कुछ पीएफ बाहरी है, तो यह पर मेरा पास एक पीएफ है, यह 100 वोल्ट का पीएफ है, 2.2K का ठीक है, 2.2K का। यहाँ पर जो नंबर है 2222K ठीक है। तो ये पीएफ एक बार लगाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर ही लगाता हूँ दोस्तों। ये 17 नंबर पिन है, 17 नंबर पिन है, ये 17 नंबर पिन, ये पिन से वो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है ठीक है। तो ठीक है, तो ये ग्राउंड लाइन है, ये ग्राउंड लाइन, तो ये लाइन का साथ मैं एक बार कनेक्शन करके देख लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये ग्राउंड पिन है, ये जम्पर है, और ये भी ग्राउंड पिन है ठीक है, और ये 17 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। तो उसका जो साइड जो पिन है यहाँ पर शॉर्ट हो गया कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका कनेक्शन ओके है और ये नेगेटिव है, देखिए ये पिन नेगेटिव है और ये जो पिन ये नेगेटिव है ठीक है। चलिए उसका बाद एक बार सप्लाई देके देख लेता हूँ ठीक है। दोस्तों सप्लाई तो दे दिया और स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा और आपको वोल्टेज के साथ चेक करके देखूँगा ठीक है। तो दोस्तों स्टैंड बाई से मैं ऑन किया और ESD से सांसा आवाज़ निकलता है, लगता है कि इसका ESD ऑन हो गया। तो आपको वोल्टेज एक बार चेक करके देखाऊंगा, क्योंकि आपको बताया ये पिन पर 3 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, सॉरी 2 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो ये जो पिन है 17 नंबर जो पिन, यह पर देखिए दोस्तों मीटर पर फॉलो कीजिए, ये देखिए 2 वोल्ट का आसपास आ गया। अब मीटर पर फॉलो कीजिए ठीक है। ये देखिए आपको बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ, देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए 2.4 वोल्ट ठीक है। तो आपको फर्स्ट बात है यहाँ पर 2 वोल्ट का आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए उसका बाद आपको सब कुछ वोल्टेज एक बार चेक करके देखूंगा ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देखिए उसका बाद आपको सब कुछ वोल्टेज देखूंगा। ESD सप्लाई वोल्टेज अभी देखिए 111 हो गया ठीक है, और इसका 180 वोल्ट का जो लाइन यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट, ये कॉइल लगाने के बाद ये 180 हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद ये जो डाइवर सप्लाई आपको फास्ट दिखाया, जो आपको बताया, देखिए अभी डाउन हो गया, ESD चालू हो गया, देखिए 37 वोल्ट ये हो गया ठीक है, ESD चालू हो गया ठीक है। और उसके बाद जो देखूँगा जो हॉरिजेंटल आउट H आउट जो सिग्नल लाइन, यहाँ पर 1 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, देखिए 1 वोल्ट कांस्टेंट हो गया ठीक है। और बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन का डायोड यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर 1.2 वोल्ट, और इधर जो लाइन देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है, ये 5 वोल्ट लाइन से इधर एक हल्का सा वोल्टेज आता है ठीक है। तो
ये लाइन कॉन्फर्म हो गया, ये सब कुछ वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको 5 वोल्ट दिखाऊंगा इस टाइम, जो दो नंबर पिन पर देखिए वोल्टेज 5 वोल्ट ये कांस्टेंट हो गया। तीन नंबर पिन पर देखिए आपको जो 8 वोल्ट पाता, देखिए 8 वोल्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और जो 8 नंबर पिन देखिए, 8 नंबर पिन का जो कनेक्शन लाइन, ये लाइन, ये लाइन पर देखिए 2 वोल्ट ये ओके हो गया, ठीक है। और 17 नंबर पिन जो ये पीएफ का साथ मैं कनेक्शन किया, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये सब कुछ ओके हो गया। और उसके बाद ये वर्टिकल सप्लाई तो ओपन है, ये बाद में मैं कनेक्शन काट देगा। और आपको ESD पर जो मीटर को AC रेंज पर करना पड़ेगा, तो मीटर को मैं AC रेंज पर काट दिया। और ESD से जो ये वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है, देखिए 20 वोल्ट से 22 वोल्ट AC वोल्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्टिकल का सप्लाई दिया जाता है, और ये पिन पर, ये दोनों पिन पर वोल्टेज देखिए ओके है, ठीक है। और दोस्तों फाइनली ये PCB का जो पार्ट्स मैं बाहर से लगा है, ये देखिए मैं सब सीधा करके कनेक्शन काट दिया, ठीक है। और उसका बाद ये जो ये जो 4148 डायोड, ये मैं सीधा करके कनेक्शन काट दिया। और इसका जो वर्टिकल कनेक्शन ये किया है, और ये हॉरिजॉन्टल का जो कनेक्शन, ये मैं सब कुछ किया है। तो दोस्तों ये अलग सा एक पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। तो ये पिक्चर ट्यूब पर एक बार सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ, आप फॉलो कीजिए। मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ, मैं लाइन दे दिया, और देने के बाद ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया है। और इसका जो मेन ESD सप्लाई एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए ये 110 वोल्ट इसका ESD सप्लाई है, ठीक है। और स्क्रीन पर देखिए इसका जो लाइट, बिल्कुल सब कुछ आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और इसका जो ये कॉइल लगाने के बाद जो 180 वोल्ट का जो लाइन होता है, यह पर अभी वोल्टेज देखिए 160 वोल्ट है, क्योंकि अलग अलग ये कॉइल का ऊपर ये वोल्टेज डिपेंड होता है, अलग अलग ये कॉइल का ऊपर आप कनेक्शन करेगा तो ये वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ आप जरूरी ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात, ये LG का टोटल जो रेगुलेट सिस्टम होता है, ठीक है, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट और स्टैंड बाई वोल्ट, ये सब कुछ वोल्ट। और ये IC का मेन जो सप्लाई वोल्ट, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा है। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का ऊपर, ठीक है, ये ऊपर मैं एक वीडियो दे देता हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हो। और LG TV का अलग सा प्रॉब्लम के ऊपर तो दोस्तों ये साइड पर मैं चाइना किट का जो IC होता है, ये इस तरह जो प्रोसेसर IC होता है, ये प्रोसेसर IC का वोल्टेज डिटेल मैं ये वीडियो पर दे देता हूँ। दोस्तों ये वोल्टेज देखने के बाद आप नोट करके रख सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।